एवरीवन, मैं आनंद कुमार फिर से आपका उन्नति एकेडमी में स्वागत करता हूं और फिर से आज तीसरा रविवार तीसरा क्विज लेके आपके बीच हाजिर हूं। और फिर आज देखेंगे कि इस क्विज के कंपटीशन में जो कि हमारे बच्चों के लिए सही मायने में बहुत ही एक बेहतर सोच समझ है जो इस तरह से हम और हमारे बच्चे मिलके करते आ रहे हैं। तो आज फिर से हम पहला क्वेश्चन जो है वो गर्ल्स से पूछने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन गर्ल्स से है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। NH2NO2 लड़का के लिए बोनस, लड़का के लिए बोनस। और लड़की पहले ही क्वेश्चन में लड़की लोग जो यूरिया का सूत्र जो होता है वो आपका होता है NH2CONH2। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य की मुख्यमंत्री भारत की पहली सर, किस राज्य की, उत्तर प्रदेश की, नाम क्या है, सरोजिनी नायडू। पूरा कंफर्म हो जाओ तब बोलो। लड़की के लिए बोनस, कौन फिर से, सुचिता कृपलानी। लड़की के लिए बोनस और लड़का जो है इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, खेद है इस बात की। अगला क्वेश्चन फिर लड़की के लिए, कौन सा तत्व के कारण रक्त लाल होते हैं, किस एलिमेंट के कारण जो ब्लड होते हैं लाल होते हैं, जल्दी सुनो। आयरन, सही आंसर है, 5 मार्क्स मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन बॉयज के लिए, भारत देश के राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कौन सा, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, राइट आंसर। बॉयज गर्ल्स के लिए, स्पेन देश के राष्ट्रीय चिन्ह, कौन सा, ईगल जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है, सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि बॉयज के लिए, लिवर सबसे बड़ा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा और कहाँ पाया जाता है, शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, वही सब्सटेंस कौन सा, कहाँ पाया जाता है, दांत, फर्स्ट लेयर, और इसके कारण दांत का रंग कैसा होता है, ऐसे दांत का रंग कैसा, ऐसे इनेमल बिना इनेमल का दांत का रंग कैसा होता है, येलो, सही है सर, ऐसे दांत का रंग कैसा होता है, येलो होता है, और इनेमल के कारण वो कैसा होता है, व्हाइट नेचर के होते, और इनेमल जो होते वो हमारे हार्डेस्ट पार्टिकल के तौर पर हमारे बॉडीज के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बॉयज के लिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जो एचआईवी का होता है, अच्छा ये किस टाइप का डिजीज है, बैक्टीरियल, वायरस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लड़की के लिए, प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलिन और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन लड़का के लिए, बीसीजी का फुल फॉर्म, सही जवाब। इसका किस चीज के लिए उपचार किया जाता है, वैक्सीन होता है, वैक्सीन होता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन लड़की के लिए, सिस्मोलॉजी का काम क्या है, बहुत बढ़िया, सही जवाब। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम नारे किसने दिए थे, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, जवाब
जल्दी से आंसर देना चटर्जी हाँ संदीप चटर्जी बोला तो लड़की के बंकिम चंद्र चटर्जी और कृष्णा गुप्ता कौन सा नाम बोले थे लड़की के लिए बोनस लड़की इस बोनस के साथ आगे निकल गई होगी लड़का से। अगला क्वेश्चन किस लड़की से किस बल के कारण ग्रह अपने अक्ष पर और ग्रह सब ग्रह अपने अक्ष पे घूमते हैं किससे अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कॉन्टेक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कॉन्टेक्ट फोर्स है का उदाहरण है कॉन्टेक्ट फोर्स क्या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स किया हुआ फोर्स होता है कोई भी आदमी अगर हवा में था उसको घिस लेता है ऐसा नहीं कि यस सही आंसर लड़का के लिए जाएगा बोनस लड़का के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम जानते हैं कि ग्रह जो होते हैं वो अपने ऑर्बिट में रोटेट करते हैं लेकिन ये एक नॉन कॉन्टेक्टाइल फोर्स होते हैं जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन बॉयज के लिए 30 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा केल्विन जी 303 303 इसका आंसर जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना केल्विन होता है तो 303 केल्विन होगा। उसके बाद लड़की के लिए सबसे आसान क्वेश्चन कार्य का सूत्र क्या होता है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्ग का वर्ग क्या फोर्स इनटू फोर्स अपॉन इसको भी कहां नहीं बोले फोर्स इनटू डायमेंशन होगा डायमेंशन और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सही आंसर है एम एल स्क्वायर इंटू टू पावर क्योंकि बल का जो होता है वो क्या होता है एम एल टी पर पावर और डिस्प्लेसमेंट है तो सही है। अगला क्वेश्चन बॉयज के लिए पेंटीन का रासायनिक सूत्र और इसमें पाए जाने वाले बंधन पेंटीन का C5H10 और इसमें डबल सही बात है बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन गर्ल्स के लिए ऑक्सीशोषण का उदाहरण देना है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल ऑक्सीजन में लेकिन किसके अंदर ये होता है किस सेल के अंदर अमीबा 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 बोनस लड़का के लिए मेथेनोजेन बैक्टीरिया मेथेनोजेन बैक्टीरिया इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण। अच्छा एक और उदाहरण था अल्कोहल के लिए सही आंसर है ईस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन कि बॉयज के लिए प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट अगला क्वेश्चन गर्ल्स के लिए आंख का ऊपर वाला परत कौन सा है और ये जो होते हैं ये लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं आगे का सबसे ऊपरी और हम आसानी से किसको आंख में बदल सकते हैं मतलब जब आंख में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम किस आंख के किस भाग को बदलने का काम करते हैं हाँ या अगर किसी का मृत्यु भी हो जाए तो हम किस चीज को बदल सकते हैं किसी और को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं नहीं लेंस नहीं जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं कॉर्निया होगा हाँ कॉर्निया तुम कंफर्म करेंगे हम वो क्या बोलेंगे हम तो
कॉर्निया सही आंसर है कि हम कॉर्निया को आसानी से चेंज कर अगला क्वेश्चन बॉयज के लिए सबसे आसान क्वेश्चन सामान्य हार्ट बीट कितना होता है 120 mmHg अच्छा 120 उसमें क्या है सिस्टम और 80 mmHg उसका सर मिलीमीटर हार्ट क्या mmHg मिलीमीटर सब पूछ रहे नंबर नहीं उसका वही बता दो क्यों mmHg का क्या होता है एच जी मर्क्यूरी का लड़का को दे दिया जापान अगला क्वेश्चन मर्क्यूरिक एचजी लास्ट में होता मिलीमीटर में बीएमआर का फुल फॉर्म मर्क्यूरिक था एचजी बीएमआर का फुल फॉर्म लड़की नहीं मालूम है लड़का के लिए बोनस बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे बॉडी के अंदर देखने मिलता है जो हमारा बॉडी करके फील करता है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से कितनी एटीपी एनर्जी रिलीज होता है के लिए ग्लूकोज का जो ग्लूकोज से जो एनर्जी निकलता है तो कितना एटीपी एनर्जी निकलता है तीन गलत जवाब लड़की के लिए बोला सर हमको पता है लड़की इसका जवाब वैसे टोटल कितना एटीपी 38 एटीपी एक मॉलिक्यूल से बनता है लड़की का ये सही जवाब है और आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है और कौन जीता है वो भी बता दिया बॉयज जो है आज के विनर है इसलिए बॉयज के लिए एक बार ताली हो जाए।